सीएसके ने जीता आईपीएल 2024 का ओपनिंग मैच, आरसीबी को 6 विकेट से हराया, दुबे जडेजा की 50 पार्टनरशिप, मुस्ताफिजूर ने लिए 4 विकेट। 5 बार की चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 का आगाज जीत के साथ किया। नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में उतरी सीएसके ने सीजन के ओपनिंग मैच में आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के चैपॉक स्टेडियम टॉस जीतकर आरसीबी ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। अनुज रावत ने सबसे ज़्यादा रन 48 रन बनाए। विराट कोहली 20 बॉल पर 21 रन ही बना सके। मुस्ताफिजूर ने रहमान ने 4 विकेट लिए और जवाब में चेन्नई ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। शिवम दुबे 34 रन, रविंदर जडेजा 25 ने 5वें विकेट के लिए नवाद 66 रन जोड़े। एलबी के चौके के साथ सीएसके ने सीजन की पहली जीत हासिल कर ली है। यह ऋतुराज गायकवाड़ की बतौर कप्तानी पहली जीत भी है। सीएसके बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। जडेजा दुबे की 50 पार्टनरशिप, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी। इस साझेदारी ने सीएसके को ओपनिंग मैच लगभग जिता दिया है। सीएसके ने पार किया 150 का आंकड़ा। 17 ओवर ने सीएसके ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। यहां मैच से सीएसके की झोली में जाता दिख रहा था। 17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 156/4 रहा। टीम को 18 बॉल पर 18 रन की जरूरत थी। डेरिन मिचेल भी आउट थे। सीएसके का चौथा विकेट गिरा था। सीएसके ने चौथा विकेट गवा दिया है। 13 ओवर की तीसरी बॉल पर कैमरन ग्रीन ने डेरिन मिचेल को रजत पाटीदार के हाथों कैच कराया। मिचेल 18 बॉल पर 22 रन बनाकर आउट हुए थे। सीएसके का स्कोर 100 रन पार रहा। 11 ओवर में सीएसके का स्कोर 100 रन पार हो गया। कैमरन ग्रीन का बॉल पर दुबे की सिंगल के साथ टीम का स्कोर 100/3 पहुंच गया। सीएसके ने शिवम दुबे को इंपैक्ट प्लेयर बनाया। रहाणे के आउट होने के बाद सीएसके ने शिवम दुबे को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतारा। उन्होंने मुस्तफा फिजूर रहमान को रिप्लेस किया। बाउंड्री पर मैक्सवेल का लाजवाब कैच रहा। रहाणे आउट हुए थे। 99 रन पर सीएसके ने टॉस, टॉप 3 बैटर्स पवेलियन लौट गए। 11 ओवर में दूसरी बॉल पर कैमरन ग्रीन ने अजिंक्य रहाणे को मैक्सवेल के हाथों में कैच कराया। ग्लेन मैक्सवेल ने बाउंड्री पर छलांग लगाते हुए लाजवाब कैच पकड़ा। रहाणे ने 19 बॉल पर 27 रन बनाकर आउट हुए थे। स्कोर 99/3 हुआ। डेरिल मिचेल ने कर्ण शर्मा के ओवर में लगातार 2 छक्के मारे थे। डेरिल मिचेल ने पारी का 9 ओवर डाल रहे कर्ण शर्मा के ओवर में लगातार 2 छक्के जमाए। उन्होंने शर्मा की दूसरी जीत और तीसरी बॉल पर बाउंड्री पार पहुंचाया। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी इसी तरह के क्रिकेट की खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब के लिए धन्यवाद।